हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? तो आशा करते हैं सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। उपम दोत मोना ब्लॉग का अनदर ब्लॉग में आप लोगों को सभी को स्वागत करते हैं। तो मैं हूँ ममता। तो आज ब्लॉगिंग इवनिंग को स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो देख सकते हैं मैं आई हूँ जमीन पे। तो प्याज का पौधा बड़ा हो चुका है, तो मेरा हस्बैंड को बहुत पसंद है इसको मिर्ची ओल के साथ खाने के लिए। तो मैं उसको उठा के थोड़ा बहुत ले रही हूँ। तो धनिया भी बड़ा थोड़ा थोड़ा हो ही गया है, तो उसको नहीं उठाएगा, दूसरा दिन उठाएगा। तो मैं इसी को उठा रही हूँ। तो मेरे साथ आई है रितु। और तो ये पास का ही जमीन है, देख सकते हैं, जो जमीन हड़प रहा था हम लोगों का। तो इसके चलते वो लोग नहीं कर पाए, हम लोग बाउंड्री दिया बोल के, इसके चलते तीन तीन बार झगड़ा का हो चुका है। झगड़ा करते रहते हमेशा, कुछ ना कुछ ऑप्शन चुनते रहते झगड़ा करने के खातिर। तो ये मरत है, आप देख सकते हैं, जो गेंजी पहना हुआ है। तो यही घर है। तो अभी हम लोग घर जाएंगे। तो हम लोग को जाना है बर्थडे में, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ बर्थडे की खातिर। तो हम लोगों ने गया है माटीगरा, तो बड़ा सा शॉप जो बैंक के सामने, जहाँ पर बच्चों का ही चीज़ मिलता है। तो हम लोग को उसको पियानो मतलब गिफ्ट किया हुआ है बच्चा को, तो वही गिफ्ट मतलब पैकिंग करने के लिए दिया हुआ है। तो बाबू था उसका पापा का गोदी। तो मैं थोड़ा बहुत वीडियो कर रही थी। तो बहुत ही रात हो चुकी है, 8:30 बज रही है अभी। तो आपको जाना है डायरेक्टली वहाँ। हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे। बाबू देखिए उठ गया है, पूरा रास्ता सो के आया हुआ है। तो बच्चा लोग बैठा हुआ है, तो ये सब मतलब बच्चा लोग भी आए हुए है बर्थडे में। तो अभी थोड़ा बैठते फिर गपशप करते फिर बात करते आप लोगों से भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हम लोग का जाना लेट हो गया, तो वो लोग केक काटना शुरू कर दिया था, देख सकते हैं। तो बाबू का ना बहुत ही तबीयत खराब था, इसकी वजह से उसको ज्यादा वो नहीं किया, थोड़ा सा केक काट के मतलब उसको मतलब उसका मामा ले लिया, किसी का गोदी आने के लिए नहीं मान रहा था। उसका 4 साल ही अभी पूरा हुआ है। तो बाबू मैं थी वहाँ पर है ना। तो ये जो मतलब राजदीप है बच्चा का नाम, तो उसका मम्मी का ट्यूशन स्टूडेंट है। तो साइड का जो सिस्टर है ना, पिंक वाली सिस्टर, तो वो तो मुंह छुपा के बैठी हुई है शर्म के मरे। तो उसका ऑफिस का स्टाफ और एक जन आया था भाई, तो वो भी बैठा हुआ था। तो हम लोग बैठ के गपशप कर रहे थे कुछ टाइम तक। उसके बाद फाइनली हम लोग मतलब खाना खाएंगे। तो पूरी और मीट बना था और केक वगैरह पाए, खीर वगैरह बना था, तो वो सब हम लोग खा रहे थे। तो खाना तो टेस्टी बना था, उसका फ्रेंड ने बनाया है बोला। उतना भी मतलब नॉर्मली क्या हुआ है उतना भी वो करके नहीं किया, क्योंकि बाबू का तबीयत ना बहुत ही खराब था, उसका बेटा का, राजदीप का, इसकी वजह से। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, अभी 10:30 बज रहे हैं। तो अभी ड्रेस चेंज नहीं किया, तो बीटू देखिए अभी फोन पे लग गया है बीटू। तो अभी रात का डिनर तो हो गया, अभी क्या और दूसरा कुछ नहीं खाएंगे, ऐसे ही ड्रेस करके सो जाएंगे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप लोग कैसा लगा जरूर बताएगा।